एक वक्त था जब तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तय्यप एर्दोगन फेसबुक और ट्विटर जैसे सोशल नेटवर्किंग साइट्स का पुरजोर विरोध करते थे, लेकिन तुर्की में तख्तापलट की कोशिशों के बीच इन्हीं सोशल साइट्स ने उनकी सत्ता बचाने में मदद की। दरअसल जब तुर्की में सेना तख्तापलट की कोशिश कर रही थी और सेना ने जब टीवी और रेडियो पर कब्जा कर लिया, तो तुर्की के राष्ट्रपति ने फेसबुक और ट्विटर के जरिए ही लोगों से सेना के खिलाफ उतरने की अपील की, जिसके बाद देश की जनता ने सेना का रास्ता रोक दिया। आपको बता दें, जिस वक्त दुनिया भर में अरब क्रांति का खुमार लोगों पर चढ़ रहा था, उस वक्त एर्दोगन भी डर गए थे कि कहीं उनके खिलाफ भी विद्रोह शुरू ना हो जाए, इसलिए उन्होंने ट्विटर का भी इस्तेमाल नहीं करने की बात कही और कसम खाई थी कि देश से एक दिन ट्विटर का नामोनिशान मिटा देंगे। तख्तापलट की कोशिश के 20 मिनट बाद ही एर्दोगन ने ट्वीट किया कि आम लोग सड़कों पर निकले और इस तख्तापलट को नाकाम करें। उनकी इस अपील पर हुआ भी ऐसा, लोग हजारों की संख्या में सड़कों पर निकले और टैंकों के आगे लेट गए। ट्विटर के अलावा तुर्की के प्रधानमंत्री बिन अली यिल्दिरिम ने भी लोगों को बताया कि फौज का सिर्फ एक हिस्सा इसमें शामिल है और सरकार कंट्रोल में है। विपक्ष ने भी सरकार के साथ खड़े होने का ऐलान इसी सोशल मीडिया पर किया। लोगों के सड़क पर उतरने और टैंक पर चढ़कर विद्रोही सैनिकों की पिटाई तक और फिर उनके हाथ खड़े कर टैंक छोड़ने के दृश्यों ने जता दिया कि तख्तापलट की कोशिश किस तरह नाकाम रही। तख्तापलट की कोशिश नाकाम होने के बाद तुर्की की सरकार एक्शन में आ गई और इसमें शामिल होने के आरोप में 3 शीर्ष जनरलों और सैकड़ों सैनिक समेत तकरीबन 6,000 लोगों को हिरासत में लिया गया। हिरासत में लिए गए लोगों ने सैन्य अधिकारियों के अलावा 2,700 न्यायाधीश भी शामिल हैं। न्यूज एक्सप्रेस की रिपोर्ट।